बात की जंग छिड़ गई है प्रभास और यश के बीच? क्या है सालार को लेकर श्रुति हसन का कहना कि अब पैन इंडिया स्टार का हो सकता है बॉलीवुड के सुल्तान के साथ क्लैश? नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आपका बॉलीग्रैड स्टूडियोज के एकदम फ्रेश और न्यू वीडियो में। ब्लॉकबस्टर हिट मूवी बाहुबली, जिसके एक सवाल ने पूरी इंडिया की ऑडियंस को हिला कर रख दिया था, उससे भी बड़ा सस्पेंस और सवाल लेकर अपनी अपकमिंग मूवी के साथ आ रहे हैं साउथ के मोस्ट एक्सपेंसिव पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास। आप समझ ही गए होंगे कि किस मूवी की बात हो रही है। बिल्कुल क्लियर है, प्रभास की 2022 में रिलीज होने वाली पैन इंडिया फिल्म सालार, जिसका फर्स्ट लुक काफी ज्यादा वायरल हो चुका है। ऑडियंस ने इसे बेहद पसंद किया है और इस मूवी के रिलीज होने से पहले ही इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। फैंस के बीच इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा उत्साह बढ़ा हुआ है। वहीं हाल ही में रिलीज हुई सुपरस्टार यश की फिल्म के जो चैप्टर 2 पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इन दोनों सुपरस्टार्स की आने वाली ब्लॉकबस्टर मूवीज को लेकर इन दोनों सुपरस्टार के फैंस के बीच ट्विटर पर जंग सी छिड़ी हुई है। सब लोग देखना चाहते हैं कि आखिर कौन सा सुपरस्टार बेहतर है। जहां रॉकी भाई के फैंस को लगता है कि वो प्रभास से कहीं ज्यादा अच्छे कलाकार हैं और साउथ के सुपरस्टार हैं, तो वहीं प्रभास के फैंस को लगता है कि उन्होंने सैंडलवुड ऑडियंस का दिल जीतने में। ऐसे में सालार फिल्म को लेकर बज बढ़ता ही जा रहा है। इस फिल्म का बज क्रिएट हुआ जब से सालार मूवी का फर्स्ट पोस्टर लुक सामने आया। इस पोस्टर में प्रभास का वो इंटेंस और वायरल शूट फोटोग्राफ किया है भुवन गौड़ा ने। फोटोग्राफर टर्न सिनेमाटोग्राफर भुवन गौड़ा ने सालार मूवी की सिनेमाटोग्राफी भी की है। भुवन गौड़ा डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ उनकी डेब्यू फिल्म उग्रम से ही उनके साथ काम कर रहे हैं। केज ऑफ चैप्टर 1 और 2 की सिनेमाटोग्राफी भी उन्होंने ही की है। सालार मूवी उनके प्रशांत के साथ फोर्थ कोलैबोरेटेड मूवी होने वाली है और आगे भी दोनों साथ में ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे। इस मूवी के लिए सिर्फ फैंस ही नहीं, फिल्म मेकर्स भी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर विजय किरगंदूर ने मीडिया को बताया कि वो इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। होम बेस्ड फिल्म्स ने हमेशा से ही अपनी ऑडियंस को नेक्स्ट लेवल सिनेमेटिक एक्सपीरियंस दिया है और इसके लिए प्रशांत नील और प्रभास के साथ कोलैबोरेशन करने में उन्हें काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। फिल्म के प्रोड्यूसर ने बताया कि प्रशांत और प्रभास दोनों ही बहुत अच्छा काम करते हैं और दोनों ही अपने फील्ड में प्रोफेशनल्स हैं। मूवी की रिलीज का इंतजार तो उनसे भी नहीं हो रहा। उन्हें उम्मीद है कि ऑडियंस भी हमेशा की तरह इस बार भी उन्हें खूब सारा प्यार देगी। और ये तो रही फिल्म के मेल आर्टिस्ट की बात, अब ये देखना भी जरूरी है कि आखिर फिल्म की ग्लैमरस एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस श्रुति हसन का फर्स्ट टाइम बाहुबली के साथ काम करना कैसा रहा। श्रुति हसन ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि प्रभास के अलावा तेलुगु सिनेमा के सभी सुपरस्टार्स के साथ वो काम कर चुकी हैं। अब वो फर्स्ट टाइम प्रभास के साथ टाई अप कर रही हैं इस फिल्म के लिए और उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। उन्होंने बताया कि उनका ये एक्सपीरियंस काफी अच्छा था और प्रभास के इस नेचर को तो सभी जानते हैं कि वो कितने डाउन टू अर्थ हैं। सालार को एक और मेगा एक्शन थ्रिलर फिल्म बताया जा रहा है, जहां प्रभास काफी मेगा स्टंट्स और एक्शन सीन्स करते हुए नजर आने वाले हैं। तो वहीं श्रुति हसन ने अपने रोल को लेकर बताया कि वो इस मूवी में भी एक्शन सीन्स करती नहीं नजर आएंगी। सालार को जहां सैंडलवुड की सबसे बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म कहा जा रहा है, वहीं सलमान खान की मूवी टाइगर 3 को बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्शन थ्रिलर फिल्म बताया जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि अगले ही साल दोनों मूवीज रिलीज होने वाली हैं। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या अगले साल बॉलीवुड के सुल्तान के साथ क्लैश करेंगे टॉलीवुड के बाहुबली। सालार ने मीडिया में पूरी तरीके से सनसनी फैला दी है। अब ये देखना है कि आखिर हवा किस ओर रुख करती है। इस एक्शन थ्रिलर मूवी का इंतजार हमें तो बेसब्री से है। आगे की अपडेट के लिए सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपने व्यूज हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।